सर, हाल ही में जो कश्मीर फाइल्स जो है रिलीज़ हुई, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ उसका इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है? कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छी पिक्चर है जो रियलिटी बेस्ड पिक्चर है, रियलिटी पे आधार है। जो घटनाएं हुई है 1990 में उनको दर्शाया गया है, सच्ची घटनाओं पे आधारित पिक्चर है। मैं बोल रहा हूँ घटनाएं नहीं है, जो रियलिटी हुई है वो उसको दर्शाया गया है 32 साल के बाद। हिंदुस्तान की पूरी जनता को पिक्चर देखनी चाहिए बिना किसी भेदभाव, बिना किसी कास्टिज्म, बिना किसी रिलीजन के, क्योंकि ये पिक्चर रियलिटी बेस्ड पिक्चर है और जो घटनाएं वहाँ हुई माइनॉरिटी पे वो उसमें दर्शाया गया है। मेरा प्रश्न ये है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे पॉलिटिकल तंत्र से, कि ये पिक्चर देखते सभी है, रोते सभी है, आंसू फूट फूट के लोग रो रहे हैं, और ये 32 साल के आंसू हैं कश्मीरी पंडित जो आज बहा रहा है। 32 साल से ये आंसू कश्मीरी पंडितों के अंदर दिल्ली जिगर में बंद पड़े थे जो आज बाहर फूट रहे हैं, ये आंसू बह रहे हैं। इन आंसुओं को अब क्या हिंदुस्तान सिर्फ बहते देखेगा कि बिकते देखेगा? अगर बहते देखना है तो इन आंसुओं की कीमत आज सड़कों पे उतर के कश्मीरी पंडितों के बारे में न्याय मांगो। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या हिंदुस्तान की पब्लिक अब सड़कों पे उतर के न्याय मांगेगी? क्या उनके लिए रिहैबिलिटेशन मांगेगी? क्या उनके लिए वापसी का प्रावधान मांगेगी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से? वो देखना है। इस पिक्चर में रियलिटी देखी है, सब कुछ देखा है। विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर हिट हो गई, मैं तहे दिल से विवेक अग्निहोत्री को इस पिक्चर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने सच्चाई सामने ले ली, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ और उसको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन इस पिक्चर के बाद हिंदुस्तान की पब्लिक जो अवेयर हो गई, जो युवा अवेयर हो गए, क्या वो सड़कों पर उतर के कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगेगी? ये मेरा प्रश्न है। सर, दूसरा प्रश्न है पॉलिटिकल कंट्रोल। सर, जो पॉलिटिकल बेसिस जो कुछ भी कहा गया, क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स या सेंटर मरकज सरकार, जो दावा किया गया था कि कश्मीरी पंडित्स को जो है वापस कश्मीर लेके आ जाएंगे, अभी तक वो कम्प्लीटली उस पर फेल हुए हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल तंत्र को, मेरा प्रश्न है आज मोटा प्रश्न, कि 32 साल से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बात मालूम थी कि कश्मीरी पंडितों पर क्या जुल्म हुआ, चाहे वो कश्मीर की लोकल पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक एक घटना का हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है कि कश्मीरी पंडितों पे क्या जुल्म है। मेरा इन पॉलिटिकल पार्टियों से अब क्वेश्चन है कि अब सच्चाई पूरे देश के सामने आई, अब ये पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने किस मुँह से सामने जाएंगे पब्लिक को कि भाई हमने ये सच्चाई क्यों छुपा के रखी थी? मेरा पॉलिटिकल तंत्र से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने यह सच्चाई छुपा के क्यों रखी थी? अब सामने आई, अब किस मुंह से आप कश्मीरी पंडितों को न्याय देंगे? क्या बात बोलेंगे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, अब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे नेशनल हो, कोई भी हो, आप किस मुंह से हिंदुस्तान की जनता को जवाब देंगे और कश्मीरी पंडितों को जवाब देंगे? मेरा एक ही क्वेश्चन है कि कश्मीरी पंडितों के 32 साल के आंसू बह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आंसू सिर्फ बहने के लिए है कि बिकने के लिए है? ये आंसू बिकने नहीं चाहिए। अगर बहे हैं तो हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे बहे और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगे, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये क्वेश्चन मैं एक महीने के बाद पूरे हिंदुस्तान से पूछूंगा। शुक्रिया सर। हमें बताइए, कश्मीरी फाइल जो मूवी रिलीज़ हुई है, लगता है कि वो खाली बिकने के लिए मूवीज हुई है, रिलीज़ की गई है, तो आपको नहीं लगता कि जो न्याय, जो हक कश्मीरी पंडितों को मिलना चाहिए वापस रिहैबिलिटेशन के लिए, या जो मरकजी सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि कश्मीरी पंडितों को जो है रिहैबिलिट कश्मीर के अंदर वापस किया जाएगा, उनका हक उनको वापस दिया जाएगा, वो अभी तक मुकम्मल उस पर फेल हुए हैं? देखिए, फेल पास तो हम नहीं कहेंगे, फेल पास तो जनता कहेगी। हम तो यही मानते हैं कि सन 1990 से लेकर आज तक, अब तक जो है हमारे नाम पर हर सेकंड की एक न एक पिक्चर बनती रही है, जबकि पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे विश्व को पता है कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरा, जो पिक्चर जो बनी है वो खाली एक पर्टिकुलर एक साइड की बनी है, आप उसमें सब कुछ लाइए तब तो लगता है कि सिंसियरिटी है, कि बिकने के लिए नहीं है, बाकी में दिल की दर्द है। क्योंकि जब हम सन 1990 में निकले हैं, हालात ऐसे थे, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसी आवाज़ें निकले हैं, नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद रसूलल्लाह, अजगर शासन पाकिस्तान बटो वरे बट इंसान, और एक ने, दो ने, दस ने, पचास ने, पचास पचास हज़ार लोग आते थे एक एक गांव में। हम लोग माइनॉरिटी में थे, मुझे याद है हम जो है चार घर रहते थे अपने गाँव में,
तो हम अपने पड़ोसियों के पास गए, हमने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, उनका साफ कहना था भाई हमें अपना नहीं पता है तो मैं क्या कर सकते हैं। ये उस समय हुई है सिचुएशन, इवन जबकि हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, उस समय डीसी साहब से हमें अप्रोच किया है कि उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाओ। ठीक, उसके बाद 90 से लेकर आज तक जो हुआ, आपने पिक्चर तो बनाई है, बहुत अच्छी बात है, आपने बनाई, आपने लोगों को दिखाया, आपने रुलाना था वो रुला दिया, क्योंकि 32 साल से तो हम रो ही रहे हैं, आज थोड़ा ज़्यादा रोए। तो जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, तब मुस्लिम भी हुए, तब सरदार भी, आपने क्यों उनको पर्दे के पीछे रखा? और जब गन आया वो आपने क्यों नहीं दिखाया, वो कहाँ से आया? और जब कश्मीरी पंडित यहाँ पर आया तो उसके बाद जितना गदर हम पे हुआ है, जो खासकर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हुआ है, वो क्यों नहीं दिखाया आपने? आज आप देख सकते हैं, मैं आप भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कभी जब आपके पास मौका होगा आप पुरखू कैंप जाइए, आप वहाँ पर देखिए, इसी प्रेस क्लब में 45 बच्चे 2 साल बैठे हैं अपने जस्टिस मांगने के लिए, भूखे नंगे पैर वो बेचारे यहाँ बैठे थे उस कोविड काल में, आप उनको जस्टिस नहीं दे पाए। और आपने पिक्चर लाई है, आपने रुलाने के लिए लाई है, लेकिन मुझे बताए इससे क्या समाधान है? क्या कश्मीरी पंडित इससे वापस जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर का मसला ठीक हो जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ठीक हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि खासकर बींग एज ए सिविल सोसाइटी मेम्बर एक हूँ मैं, कि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे कश्मीर में, कि देखिए गलती तो हर एक से होती है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती, और उसका सज़ा भी मिला, लाखों लोग मर गए वहाँ भी, लाखों लोग हम कश्मीरी पंडित भी मर गए, उसके बदले हुआ क्या? ये जिस हिसाब से पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, वैसे लोग कश्मीर में थे जो कहते थे नालाय तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते आज़ादी, जो आम इंसान को एक इमोशन, लोगों को जैसे जिस हिसाब से आज रो रहे हैं हर एक आदमी जब पिक्चर देखता है, तो वैसे उनको उस समय जो है एक ब्रीफ किया गया था, एक जो है ना ब्रेन में डाला गया था भाई हमें अब जो है कल आज़ादी मिलेगी, आप ऐसा करो, और जिससे अल्टीमेटली जो है ना उन्हें कुछ मिला ना कुछ, अल्टीमेटली इतनी मौतें हुई। अगर पिक्चर दिखानी थी वाकई में, ये उसमें पूरा दिखाते। मैं एक बार आपके माध्यम से फिर ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले गन आया कहाँ से, उसके बाद इसका जिम्मेवार कौन है? मेरा ये मानना है इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। आप वो गवर्नमेंट को लाइए ना सामने, जिस गवर्नमेंट में ये हुआ है। देखिए उस समय भी वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उसके साथ में वाजपेयी जी थे, इधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ऊपर से जगमोहन साहब आ गए थे, और ये ड्रामा जो चला है, जो हुआ है, जो एब्सूर्ड हुआ है, जो बुरी हरकतें हुई है, जो मैं आज भी जो भूल नहीं पाता हूँ, चूँकि ये वो जख्म है जो मुझे लगता है कि मैं 7 पीढ़ियों तक सबको ये बताऊंगा भाई मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं इसमें मानता हूँ दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर ये ज़मीन मेरा है, अगर जम्मू कश्मीर मेरा है, तो दूसरा आदमी कैसे आएगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए? मैं इस चीज़ में उस चीज़ को जो जिम्मेदार मान रहा हूँ। बाकी पिक्चरें तो आती रही जाती रही, 10 दिन रहेगी, उसके बाद क्या मुझे इससे कुछ फ़ायदा होना है? या मैं आपके माध्यम